हेलो एंड वेलकम टू द किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शेजवान फ्राइड राइस रेसिपी। बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सिंपल शेजवान फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक पैन लेंगे और हाई फ्लेम पर पैन चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे 1 से 2 बड़े चम्मच बटर। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम इसमें चॉप्ड अनियन डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब इसमें कैरेट्स डालेंगे और इसे भी अच्छे से पकाएंगे। हमें वेजीज तब तक पकानी है जब तक ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, हमें इसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसके बाद अब हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इसे बाद में ही डालें। सिर्फ हमें 1 से 2 मिनट ही सारी वेजीज को सॉटे करना है। इसके बाद अब हम इसमें बीटरूट डालेंगे। बीटरूट मैंने यहाँ कलर के लिए डाला है, कोई भी एडिशनल फूड कलर यूज़ नहीं किया है। और 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच। और नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे शेजवान चटनी। ये इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, तो ये छोटा वाला जो पैकेट आता है 10 रुपये वाला, वो मैंने पूरा डाला है, तो ये लगभग 1 बड़ा चम्मच है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम ऐड करेंगे लेफ्ट ओवर राइस। तो लगभग 1.5 कप मैंने यहाँ पर लेफ्ट ओवर राइस यूज़ किया है और इसे सारी वेजीज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी चॉइस है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है, तो सिर्फ शेजवान चटनी से ही ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, कम से कम सिर्फ 1 मिनट के लिए, और 1 मिनट बाद हमारा फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि राइस एकदम अलग अलग बना है और बहुत टेस्टी बना है। आई होप ये सिंपल शेजवान फ्राइड राइस की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है। कभी भी आपके घर में अगर लेफ्ट ओवर राइस बचा है तो आप इसी तरह से शेजवान फ्राइड राइस बनाकर इन्जॉय कर सकते हैं। सबको बहुत पसंद आएगा और बहुत ही डिलीशियस लगता है। इसमें कोई भी सॉस का यूज़ मैंने नहीं किया है, जस्ट शेजवान सॉस आप यूज़ करके इतना अच्छा फ्राइड राइस बना सकते हैं। सो आई होप यू लाइक इट। एन्जॉय द रेसिपी। मैं आपको मिलूंगी अपनी नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।